अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को लेकर दिन प्रतिदिन गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में देवास जिले के नेमावर में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के समर्थन में भव्य राम जानकी रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर घर बहनों ने रंगोली बनाई। रैली में बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना व दुर्गा वाहिनी की बहनों एवं हिंदू संगठन युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जय जय सियाराम के उद्घोष से मानव गूंज उठा। नेमावर नगर युवाओं के हाथ में भगवा झंडा लिए और गले में भगवा कलर का दुपट्टा माथे पर साफा बांधे जय जय सियाराम के नारे लगाते नजर आए। तो वहीं दुर्गा वाहिनी की बहनें भी जय जय सियाराम के नारों से उद्घोष करती नजर आई। रैली बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा मौजूद रहे। राम जानकी रैली समापन बस स्टैंड पर संतों का सम्मान किया गया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। एएसपी सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। पुलिस बल के साथ रैली के साथ नजर आए। वहीं रैली की सबसे बड़ी खासियत ये देखने को मिली कि इस श्री राम जानकी रैली में मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुनील जैन की रिपोर्ट। कि जो कमजोर को भी महान बना दे वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, वही देव मानव होता है। वर्तमान उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे देश में कदम कदम के स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, कहीं जल कहीं चाय, और इतना सुंदर दृश्य हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग अयोध्या में। जागरण मंच के तत्वावधान में पूरे नगर में भ्रमण किया। नगर में भ्रमण करके दुर्गा वाहिनी के बहनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संघ के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। परम पूज्य संत श्री शास्त्री जी महाराज का भी हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज इस अवसर पर हम सभी हिंदू बंधुओं से निवेदन करते हैं, सामाजिक वर्ग सहभागिता सबकी हो, प्रत्येक घर से न्यूनतम धनराशि उस मंदिर निर्माण के लिए पहुँचे, इसका आग्रह करते हैं। नगर नेमावर में राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के तहत नागरिकों की एक रैली थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का मैं प्रभारी अधिकारी हूं और कटवास थाना खाते गांव नेमावर के थाना प्रभारी को यहां ड्यूटी में लगाया गया है। जुलूस शांतिपूर्ण रहे इसलिए पूरी जांच चौबंद व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद।